दिल्ली की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हमारे बड़े भाई माननीय सत्येंद्र जैन जी अभी अभी अपनी बात को रखने के बाद यहाँ से गए। हम सबके बड़े भाई, सबके चहेते राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय भाई, इस विधानसभा के विधायक साथी हाजी शराब खान साहब, दिल्ली की सरकार के रसद मंत्री और बल्ली मलान से विधायक साथी हमारे बड़े भाई इमरान हुसैन साहब, गोंडा से विधायक साथी आदरणीय श्रीदत्त शर्मा जी, हमारे पार्षद साथी रहमान भाई, साजिद भाई, रेशमा बहन, नदीम भाई, भूपेंद्र भाई, हाजी यूनुस साहब, रेखा त्यागी जी और इमरान भाई, बहुत सारे मौजूद साथी हैं, फुरकान हैं, अख्तर, बहुत सारे लोग हैं और यहाँ मौजूद तमाम युवा साथी, बुजुर्ग, बच्चे, आप सभी लोगों का मैं इस मंच के माध्यम से इस्तकबाल करता हूँ, आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ कि आपके इलाके में माननीय जैन साहब राजी भुरे जी के प्रयासों से ये जो लंबित काम पड़ा हुआ था, लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से नालों का काम, इस काम का श्री गणेश होने जा रहा है। आपके इलाके में शराब का एक ठेका जिसको बंद करने का वादा पिछले 30 साल से ये बंद होगा, ये सिर्फ वादा किया जा रहा था और उसको मुमकिन किया हाजी भुरे जी ने। ये दोनों कामों की मैं ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ, आप लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार, आपके दुआओं की सरकार, आपके मोहब्बत की सरकार, भाई अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देशन में चलने वाली सरकार, दिन रात तमाम अड़चनों के बावजूद, तमाम मुश्किलों के बावजूद लगातार आपकी सेवा करने में लगी हुई है, आपके हक के काम करने में लगी हुई है, आपके इलाके का विकास कराने में लगी हुई है। दोस्तों, मेरा बड़ी ईमानदारी से मानना है, हमारा इलाका, हमारी गली, हमारा मोहल्ला उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा हमारा चुनावी निर्णय होता है, जितना अच्छा हमारा इलेक्टोरल डिसीजन होता है। हमने 14 में एक निर्णय लिया, 7 सांसद चुने, आज दिल्ली का एक एक शख्स 2014 की गई गलती पे पछता रहा। क्यों पछता रहा है कि जब जब दिल्ली के आवाम को अपने माननीय सांसदों की जरूरत पड़ी, तब तब ये सातों के सातों मुंह में नहीं जमा के बैठ गए। दिल्ली के अंदर मेट्रो का किराया कितनी बार बढ़ा, किसको किसको याद है? 2 बार बढ़ा मेट्रो का किराया, 2 बार बढ़ा। कोई सांसद विरोध करने आया? कोई आया विरोध करने? ऐसा नहीं चलेगा, आया तो बताइए, नहीं आया तो बताइए। कोई आया विरोध करने? नहीं आया। दिल्ली के अंदर 7 लाख से भी ज्यादा छोटे बड़े व्यापारी सीलिंग की मार से परेशान रहे, कोई सांसद बचाने आया, विरोध करने आया, ये कहने आया कि हमारी सरकार केंद्र में हम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, कोई कहने आया? नहीं आया। आम आदमी पार्टी वाले तमाम पार्षद बैठे हुए, सिविक सेंटर पे हमने प्रोटेस्ट किया, 3 दिन भूख हड़ताल की, पार्लियामेंट स्ट्रीट में प्रोटेस्ट किया, पुलिस वालों ने मार के पैर तोड़ दिया, दिन भर थाने में बंद रखे, लेकिन तब भी बेईमान भाजपाइयों का दिल नहीं पकड़ा। भाजपा आज गलत चॉइस ऑर्डिनेंस लेके नहीं आई और ऐसा लग रहा है कि आने वाले सत्र में ये विधेयक लाने के मूड में भी नहीं है। तो हमने सांसद चुने किस लिए भाई साहब? हमने सांसद चुने अपना अपने हक का काम करने के लिए, अपने फायदे का काम करने के लिए। ये उल्टा काम कर रहे। दिल्ली की सरकार ने कहा सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, सांसदों ने रुकवा दिया उसको। दिल्ली की सरकार ने कहा घर घर राशन पहुंचाएंगे, सांसदों ने रुकवा दिया उनको। तो अब लग रहा है कि 2014 की गलती को दुरुस्त करने का वक्त आ गया है। 2019 में वक्त आया कि नहीं आया? करना है दुरुस्त, ठीक करना है। देखिए अभी संजय भाई
जाने से पहले आपको एक बात बता दी गई, हमारा फायदा अगर केजरीवाल से है, अगर केजरीवाल ने बिजली में, पानी में, नाली, गली, सड़क, स्कूल, अस्पताल में दिल्ली के आवाम को फायदा दिया, और हम मानते हैं कि हमारा फायदा हुआ है केजरीवाल सरकार से, और हमें अगर और फायदा चाहिए तो रास्ता एक ही है, रास्ता एक ही है, जिससे फायदा है उसको और ताकत दीजिए। हमने विधायक दे दिए सांसद, हमको इतना ज्यादा फायदा हुआ, हम अगर इनको सात और सांसद देते हैं तो जाहिर सी बात है शरबत उतना ही मीठा होता है जितनी उसमें शक्कर डाली जाती है। भाई साहब, अगर और सांसद दे देंगे सात चुनके केजरीवाल जी को, हमारा आपका और फायदा होगा। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, पेच यहाँ पे यह फंसा हुआ है कि सात और सांसद देने का मतलब अभी जो मौजूदा सांसद है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इसके अलावा और कोई तरीका तो है नहीं। अब बाहर का रास्ता कौन दिखा सकता है, यहाँ पेच फंसा हुआ है। दो पार्टियां हैं दिल्ली के अंदर, एक कांग्रेस पार्टी है और एक आम आदमी पार्टी है। कितने लोग मानते हैं कि दिल्ली के अंदर भाजपा को कांग्रेस पार्टी रोक नहीं सकती है, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठा के बताइए, गिन रहा हूं मैं, सब लोग नहीं मानते, सब लोग एक बार मैं गिन रहा हूं, अभी 150 हुए थे। कितने, फिर से सवाल दोहराता हूं, कितने लोग मानते हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकना कांग्रेस पार्टी के बस की बात नहीं है? दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, कल काफी सारे लोग हाथ उठा, देखिए भारतीय जनता पार्टी को रोकना है कि नहीं रोकना है ये पहले तय कर लीजिए, रोकना है कि नहीं रोकना ये तय कर लेंगे तो बाकी के सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर देश को, मुल्क को बांटने की कोशिश कर रही है, और हर जगह मैं इस बात को कहता हूँ कि यहाँ पे अपनी सियासी विचारधारा बचाने की लड़ाई नहीं है, अपना टोपी, डंडा, झंडा, बैनर बचाने की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई देश को बचाने की है, मुल्क को बचाने की है, और फैसला आवाम के हाथ में है कि भारतीय जनता पार्टी को रोक कर वो मुल्क को बचाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहते हैं, इस मुल्क में और भी पार्टियां हैं, कुछ पार्टियां कहती हैं हम मुसलमान की पार्टी हैं, कुछ पार्टियां कहती हैं हम हिंदू धर्म की पार्टी हैं, कुछ पार्टियां कहती हैं हम फलाना मजहब की पार्टी है। दरअसल ये सारी पार्टियां किसी धर्म की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की पार्टियां हैं दोस्तों, पावर की पार्टियां। आप आंख फैला के देख लीजिए, तमाम एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, तमाम उदाहरण मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये कहते हैं हिंदू की पार्टी है, उन्नाव के अंदर हिंदू की बेटी का बलात्कार हुआ, हिंदू की बेटी के बाप का थाने के अंदर मर्डर हुआ, और बलात्कार करने वाला उन्नाव का विधायक भी हिंदू था, कहां है हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी बताइए आप? टीटू जैन भारतीय जनता पार्टी का नेता था, भोपाल का था, शेख राकेट चलाता था, उसके यहाँ जो लड़कियां गिरफ्तार हुई वो भी हिंदू थी, हिंदुओं ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, कहाँ है भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी बताती है? पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नेता गिरफ्तार हुई, बच्चों को, बच्चों की तस्करी करती थी, जो बच्चे गिरफ्तार हुए वो भी हिंदुओं के बच्चे थे, जो नेता गिरफ्तार हुई वो भारतीय जनता पार्टी की हिंदू नेता थी, अब बताइए कहाँ है हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी? बताइए कहाँ है हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली छोड़िए, आप लखनऊ जाइए, लखनऊ के अंदर एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर को दिन दहाड़े मार दिया गया, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भाजपा की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी तुरंत, वहां हिंदू की पार्टी की सरकार थी, वहां हिंदू को मारा गया है, बताइए अब कहां हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी? नहीं है। अभी बुलंदशहर के अंदर हिंदू गुंडों ने, हिंदू दंगाइयों ने, भारतीय जनता पार्टी के दंगाइयों ने, हिंदू नहीं भारतीय जनता पार्टी के उन्मादी दंगाइयों ने एक हिंदू का मर्डर कर दिया, आप बताइए वहां पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहा हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी? तो ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी नहीं है, और कोई भी पार्टी किसी मजहब की पार्टी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की पार्टियां हैं, पावर की पार्टियां हैं, नाम की पार्टियां हैं, काम की पार्टी सिर्फ एक ही है आम आदमी पार्टी, काम की पार्टी सिर्फ एक ही है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता तो जहां मुल्क में चारों ओर आग फैला के देखिए, गाय पे, गोबर पे, गायत्री पे सियासत हो रही है, वहां मुझे फख्र है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं, मैं ऐसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं जिसके कामों की फहरिस्त में सबसे ऊपर लिखा हुआ स्कूल, उसके
नीचे लिखा हुआ है अस्पताल, उसके नीचे लिखा हुआ है बिजली, फिर लिखा हुआ है पानी, फिर लिखा हुआ है गली, फिर लिखा हुआ है नाली, फिर लिखा हुआ है पेंशन, फिर लिखा हुआ है मिनिमम वेज, फिर लिखा हुआ है तमाम लोगों के घर के राशन पहुंचाना। फक्र है मुझे फक्र होता है कि मैं इसी सरकार का हिस्सा हूं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का फैसला आप लोगों ने कर लिया तो रोकने की ताकत किसमें? अभी संजय भैया बता रहे थे दिल्ली के अंदर 2014 के आंकड़ों को मैं समझाना चाहता हूं आपको। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को कुल दिल्ली से 46% वोट मिले। कितने वोट मिले? 46%। कितने वोट मिले? 46%। भाजपा को 46% वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 33% वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को 15% वोट मिले। याद रखिएगा बीजेपी कितना? 46, आम आदमी पार्टी कितना? 33 और कांग्रेस पार्टी कितना? 15। याद हो गया आपका? एकदम सीधी गणित है, दिल्ली की सियासी गणित को समझना बेहद आसान है, उतना ही आसान जितना 2 और 2 = 4 समझना। क्लियर है इतना? अब आप लोग बताइए 46% मिला था 2014 के अंदर, क्या अब भी भाजपा को उतने ही वोट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही मिलेंगे, कुछ कम होंगे। मान लेते हैं 10% वोट भाजपा का कम होता है, कितना परसेंट? कितना परसेंट? 10%। आवाज पीछे नहीं आ रही, कितना परसेंट कम होगा? 10% कम होगा। अब ये 10% कम होगा तो भाजपा 46 से कितना हो जाएगी? 36। कितना हो जाएगी भाई? 36 हो जाएगी। अब ये 10 कहीं जाएगा? हो सकता है, मान लेते हैं, अभी खाली समझने के लिहाज से मैं बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं कि ये 10% कांग्रेस के पास भी जा सकता है और मान लेते हैं कि ये 10% आम आदमी पार्टी के पास भी जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने ऐसे कोई कर्म करे नहीं है कि 10% पूरा उनके पास चला जाए, स्प्लिट हो गए, फिर भी खाली समझने के लिहाज से कह रहा हूं। मान लेते हैं सिचुएशन नंबर 1, 10% कांग्रेस के पास जाए, भाजपा 46 से घट के हो गए 36, कांग्रेस भी 15 में 10 जोड़ेंगे कितना होगा मदन भाई? 25 होगा। भाजपा आ गई 36 पे, आम आदमी पार्टी है 33 पे, कांग्रेस रह गई 25 पे, 36 जीत गया ना भाजपा जी ना आम आदमी पार्टी की देखा क्लियर है भाई? 36 थी आप भारतीय जनता पार्टी और भाजपा आम कांग्रेस पार्टी को 15 में 10 जोड़ दिया, 25 हो गया तो 36 जीत गया। ये जो 10% का वोट है जो भाजपा से खिसका है इसको आप एंटी मोदी वोट समझिएगा। ये उन लोगों के वोट है जो मोदी जी को 14 में वोट तो किए लेकिन इस बार वोट नहीं करेंगे। वो निराश हुए हैं, वो डेवलपमेंट के नाम पर वोट करने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखें बेच के और 2014 के अंदर सपने खरीद लिए, आज तक एक भी सपना देख नहीं पाए। सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं, 10% वोट मान लेते हैं कि आम आदमी पार्टी के पास चला जाए, मान लेते हैं अभी खाली भाजपा 46 से कितना हो गई? 36 हो गई। ये 10% वोट आम आदमी पार्टी के पास, कांग्रेस 15 पर रुकी हुई है, 36 हो गई भाजपा, आम आदमी पार्टी 33 में 10 जोड़ दिया हो गया 43, आम आदमी पार्टी हो गई 43 और भारतीय जनता पार्टी रह गई 36 से कौन जीता? आम आदमी पार्टी। कौन जीता? आम आदमी पार्टी। कौन जीता? आम आदमी पार्टी जीत गई। इस गणित को समझिएगा, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 7 की 7 सीटों पे अपने भाजपाई निगम में बेईमान सांसदों को जिताना है तो वो ईवीएम की सेटिंग भी नहीं करेंगे। जितने एंटी मोदी वोट है एक एक वोट वो कांग्रेस को डलवा देंगे और भाजपा ही अपने आप जीत जाएंगे, वोटों का बंटवारा हो जाएगा। अब आप लोग बताइए वोटों का बंटवारा करना है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है? कितने लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं आम आदमी पार्टी का साथ देंगे? देखिए मैं बड़ी बड़ी ईमानदारी से आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने माजी में अतीत में पास्ट में कांग्रेस को वोट किया होगा, बीजेपी किसी और पार्टी को किया होगा, मुझे मतलब नहीं। दिल्ली के अंदर चंद्रबाबू नायडू एक फार्मूला लेके आए, उन्होंने कहा कोलिशन जब बनेगा तब बनेगा, इस समय जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए हराया जाए। और तमाम जो रीजनल पार्टियां हैं जहां जो रीजनल पार्टी ताकतवर है आवाम को उसी रीजनल पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए और इस हिसाब से टुकड़ों में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त अपने आप हार जाएगी। भाई सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, तमिलनाडु के अंदर कोई डीएमके को वोट करेगा,
एआईडीएम को वोट करेगा, कांग्रेस बीजेपी को क्यों वोट करेगा? अभी ये भाजपा कांग्रेस को लोग वोट मांगने आएंगे, ये दोनों एक ही बात कहेंगे, पीएम बनाने के लिए वोट करो, पीएम बनाने के लिए वोट करो। तो आपको बोलना पड़ेगा कि 2014 के अंदर पीएम बनाने के लिए वोट किया था और 7 सितंबर में हमारे मंत्री मर दिए गए। इस बार इस झांसे में दिल्ली वाले नहीं आएंगे। जिससे फायदा है, जो मजबूत है, जो भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा, उसका साथ देने की कसम खाएंगे दिल्ली वाले। तभी भाजपा को रोक सकते हैं, रोक लेंगे, ये 100% गारंटी की बात है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को लोग वोट देंगे, वहां पे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आपके बगल में उत्तर प्रदेश है, एसपी-बीएसपी का गठबंधन हो जाएगा, वहां तीसरी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि वहां पे एसपी-बीएसपी का गठबंधन जो है हराएगा भाजपा को। ठीक उसी प्रकार से दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी हराती है भारतीय जनता पार्टी को, तो कांग्रेस को वोट देके अपना वोट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? बात सबको समझ में आई? ये भाषण नहीं है, ये ट्रेनिंग है आप लोगों की। यहाँ से जाने के बाद रोज 8-10 घरों में जाइए और तमाम आवाम को समझाइए कि अगर आपने गलती से कांग्रेस के झांसे में आके अपना वोट बंटने दिया, अपना वोट कटने दिया, अपना वोट ठटने दिया, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे। इस हथकंडे के अलावा 2 हथकंडे तो ऑलरेडी चली गए, आपको सबको पता है। 3 लोगों के वोट इस समय दिल्ली में सबसे ज्यादा काटे गए, 3 लोगों के, मुसलमानों के वोट काटे गए हैं, बनियों के वोट काटे गए हैं और पूर्वांचल के रहने वाले लोगों के वोट काटे गए। मुसलमानों से तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी इतना मीठा रिश्ता है, सब समझते हैं। लेकिन इस बार नोटबंदी से, जीएसटी से, सीलिंग से भाजपाइयों ने बनिया समाज की कमर तोड़ी। उनको जैसे ही लगा कि बनिया समाज अब वोट नहीं देगा, चंदा लेके मंच सजा के उनके कमर से, उनके पीठ से, उनके पेट से लात मारी है, अब वोट नहीं देगा बनिया समाज, तो बनिया समाज का भी वोट कटवा दिया। गुजरात में पूर्वांचल के लोगों को पीटा, दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों को पीटा, तो पूर्वांचल के लोगों ने कमर कस लिया कि इस बार बेईमान भाजपाइयों, धोखेबाज भाजपाइयों को वोट नहीं करेंगे। ये खबर जैसे ही पहुंची भाजपाइयों के पास, पूर्वांचलियों के वोट भी कटवा दिए। कोई चिंता की बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, एक एक कटे हुए वोट बनवाएंगे और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की गुंजाई का जवाब अपने वोट से देंगे। इनको बाहर का रास्ता दिखाकर ये हमको आपको मिलकर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को बताना। कच्ची कॉलोनियों का काम जैन साहब बैठे हुए हैं, जैन साहब बैठे हुए, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम कच्ची कॉलोनियों को दिल्ली के अंदर पक्का करें। पक्का करने के ऊपर जैन साहब ने फाड़ियां घुमाई, ये बेईमान भाजपाइयों फाड़ियों पे बैठे हुए, फिर भी जैन साहब रुके नहीं। और जैसे ही बेईमान भाजपाइयों को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कच्ची कॉलोनियों को पक्का करवा लेगी, तो जैन साहब के ऊपर सीबीआई से इन्होंने केस दर्ज करवा दिया। इन बेईमान डरपोक भाजपाइयों को बताना चाहते हैं कि हम रुकने वाले नहीं है।